रखे हैं और बोल रहे हैं कि जिसको जिसको आना है अपने आप आते जाइए, सुरक्षा हम देंगे, आजादी हम देंगे, आपका जीवन हम समझेंगे, आप खाली आते जाइए। तो हमारा काम है इस बवंडर में लोगों को ले आना और उनको सुकून की जिंदगी का एहसास दिलाना। जो आज के बीबीएस के स्पीकर है जबरदस्त कपल, जिनको मैंने आज से करीब 3.5 साल पहले इस बिजनेस में बड़ा अथक प्रयास करने के बाद लाया था। ज्वाइनिंग टीम को इनकी हो गई थी और इनको स्टार्ट कराने में मुझे बड़ा प्रयास करना पड़ा था, स्टार्टअप लंबा चला था, लेकिन जब इस जोड़ी ने, इस खूबसूरत जोड़ी ने जब डिसीजन ले लिया यस मुझे मोदी केयर करना है, तो फिर इन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि इनके पास हर वो चीजें थी जो बिजनेस में सफलता पाने के लिए चाहिए। इन्होंने बिल्कुल हमारे तीन त्रिमूर्ति अपलाइन और पूरे मोदी के सिस्टम का हाथ पकड़कर हर कदम दर कदम आगे बढ़ते गए, टाइटल को अचीव करते गए, अपने टीम में लोगों को सक्सेस दिलाते गए और खुद तो आगे बढ़े ही बढ़े, बहुतों सारे लोगों को इन्होंने सफलता दिलाने में मदद की। तो आइए उस खूबसूरत जोड़ी का हम लोग जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं। हमें पता है इनकी जो स्टोरी है, आज बहुत सारे लोग इनकी स्टोरी को सुनकर अपने जिंदगी में वो सब कर पाएंगे जिन्होंने किया है, क्योंकि इनका टाइटल ही है, आपने देखा होगा कि फर्श से अर्श तक, ये बिल्कुल सही है। जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो मुझे याद है कि ये अपने बच्चे की फी जो 620 रुपए के आसपास था वो देने में असमर्थ थे, लेकिन ड्यू टू मोदी केयर एंड सिस्टम आज ये अपने बच्चे को पटना के सबसे बेस्ट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े सपने हैं। तो आइए इन्हीं सुनते हैं इनकी स्टोरी। तो जबरदस्त जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं राकेश सिन्हा एंड सोनाली सिंह। थैंक यू। अब हम लोग आज इस सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके लिए मैं पहले सबसे पहले अपने त्रिदेव को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में तो आ गया, नेटवर्क इंडस्ट्री में आके बड़े बड़े कारनामे करने का सपना तो संजो लिया, उसमें एक सपना ये भी था कि मैं कब पूरे भारत में एड्रेस करूंगा। अगर ये जूम नहीं होता, ये लॉकडाउन नहीं होता, अगर ये समय नहीं होता तो शायद हम लोग को एक साथ पूरे भारत को एड्रेस करने में थोड़ा वक्त लग जाता, लेकिन ये कोरोना हम लोग के लाइफ में एक और ड्रीम पूरा करने में सहयोग किया, जिससे कि आज मैं राकेश सिन्हा सोनाली मैम दोनों मिलके पूरे इंडिया के लीडरशिप को एड्रेस कर पा रहा हूँ। उसके लिए त्रिदेव को धन्यवाद, रवीश सर, अनूप सर, राजेश सर और स्पेशली धन्यवाद प्रीति मैम एंड उत्तम सर को, क्योंकि उन्होंने मुझे अगर इनरोल नहीं कराया होता तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं होता। अब हम आपके बीच में हम उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसके कारण से हम आज आपके साथ इतना सारा बोल पा रहे हैं, क्योंकि अगर इन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता, अगर इन्होंने मुझे मदद की नहीं होती उस बुरे वक्त पे, अगर ये हमारे साथ खड़ी नहीं रहती तो शायद हम आज आपके बीच में ये स्पीकर के दूर 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 की बात हम लोग अभी कहीं परेशान एक दूसरे से लड़ रहे होते। तो हमारे लिए एक लाइट लाइन बन के आई, लाइफ लाइन बन के आई, चिराग वो जो नहीं है अलाउद्दीन का चिराग बन के आई, जो मेरी जिंदगी को 180 डिग्री में घुमा दी और आज हम लोग एक ऐसा लाइफ जी रहे हैं। तो आइए सुनते हम अपने बेटर हाफ सोनाली से। थैंक यू सोनाली जी, वेलकम सोनाली जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम मैम। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें पेशेंस बहुत है और ये किसी भी बात को कह के नहीं करके बताते हैं, जो इनका सबसे सबसे अच्छा बात है। मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम सब लोग मुझे जानते होंगे, बहुत के लिए मैं आज नई हूँ। आज जो मैं आपको अपनी कहानी बता रही हूँ, 80% लोगों को अपनी कहानी इसमें नजर आएगी। मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं हुई। वहाँ पे जॉब को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। वहाँ पे कहा जाता है कि कॉलर उनका ही ऊंचा है जिनका बेटा और दामाद दोनों जॉब में है, वो भी गवर्नमेंट जॉब में। मेरे हस्बैंड तो ना गवर्नमेंट जॉब में थे ना प्राइवेट जॉब में, इकलौती मैं ऐसी थी जिनके हस्बैंड डायरेक्ट सेलिंग में थे। अब सोच लीजिए कि वहाँ पे हमको क्या क्या सामना करना पड़ता होगा।
पेन और स्ट्रगल की बात करें तो उस हद तक जाता था कि मैं इनको कहती थी कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी आपसे शादी करना, और शादी उसी से किया जाता है जिस सामने वाला का औकात जहाँ बड़ा हो। मेरे घर में ऐसा ही होता है कि मतलब लड़कियों की शादी अपने औकात से ज्यादा के बड़ा बालों से किया जाता है। सारे मेरी जो बहने हैं उनके सारे हस्बैंड अच्छे दिन से और अच्छे जॉब में हैं। जब मैं उनको कहीं पे भी देखती थी जाते हुए तो मुझे बहुत ही अफसोस लगता था, बहुत बुरा लगता था। तभी मेरे बात में मेरे दिमाग में ये नहीं था कि वहाँ जाना उनकी मजबूरी है क्योंकि वो वहाँ ट्रांसफर होके जाते हैं, अगर वो वहाँ नहीं जाएंगे तो उनकी दाल रोटी नहीं चली। इसी तरह हमारी लाइफ चलती रही और मोदी के और जब मैं पहली बार इनके पास गई इंटरव्यू देने तो मेरे बायोडाटा में मेंशन था मेरा हॉबी नेम और फेम। तो ये हमसे पूछते हैं कि नेम और फेम क्या होता है, तो मैं इनसे बोलती हूँ कि पैसा कमाना और जॉब, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि रियल लाइफ और रियल लाइफ क्या होती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जरूरतों को ही अपना ड्रीम समझ के अपना पूरा लाइफ काट लेते हैं। हर की नहीं होता है कि उनको ड्रीम क्या है, उनके जरूरत क्या है। जब हम किसी अच्छे घर की लेडीज को देखते थे तो हमको लगता था कि उनके हस्बैंड या उनके पापा कोई अच्छे जॉब में होंगे। हमको ये पता ही नहीं था कि जॉब तो सिर्फ जरूरतें पूरा करती है, ड्रीम्स पूरा नहीं करती। और हॉबी जॉब्स जरूरत ड्रीम्स, ये मुझे मोदी केयर में आने के बाद पता चला। मोदी केयर में मैं अचीवमेंट की बात करूं तो मेरे सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि मेरी जो भी बहनें थी, जो भी रिलेटिव्स हैं, वो इतने बड़े जॉब के बाद भी किसी की भी सैलरी 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं, और मैंने यहाँ 4 महीने में मेरी 1 लाख रुपए क्रॉस कर गई मेरी इनकम। ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, कोई भी फॉरेन आज तक नहीं गया घूमने के लिए। और अगर सोचता है कि अपने बच्चों को फॉरेन भेजें तो इसलिए क्योंकि वहाँ उनको जॉब करवाना, और मेरी फॉरेन ट्रिप सिर्फ घूमने के लिए थी। ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। मोदी केयर की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे हम अपनी औकात खुद नापते हैं। हमको अगर इस महीने 1 लाख रुपए लेना है तो वो हम अपने हिसाब से सेट करते हैं, अगले महीने हमको 10 लाख रुपए लेना है तो वो अपने हिसाब से सेट करते हैं, हमको इस साल इतने करोड़ कमाना है तो हम अपने हिसाब से सेट करते हैं। और अदर इंडस्ट्रीज में अदर जगह में हमारी औकात नापी जाती है, या हो सकता है सामने वाला अनपढ़ भी हो, पढ़ा लिखा भी हो, या उनकी उतनी औकात भी नहीं हो जो हमारी औकात को नापते हैं। हमारी औकात सेट कर देते पूरे लाइफ 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 5,000 रुपए, और उसके हिसाब से हम 9 to 5 जॉब करते रहते हैं, जो यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे हमारे ड्रीम्स पूरे होते हैं, हमारे सपने पूरे होते हैं, हमारी जरूरतें तो पूरे। मैं थैंक्स कहना चाहूंगी अपने अपलाइन उत्तम सर और प्रीति मैम का, जहाँ पे हमारी जरूरत तो पूरा हुई ही, हमारे ड्रीम्स भी पूरे हुए। मैं थैंक्स करना चाहूंगी अपने तीनों स्पॉन्सर, तीनों टीम मिशन के लीडर्स को, जिनकी देख रेख में कोई भी, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर कल भी ज्वाइन करेगा तो 6 महीने में जीपीडी जा सकता और 1 लाख रुपए महीने कमा सकता। ये इसके लिए, और मैं स्पेशली उन लेडीज को कहना चाहूंगी जो आज मुझे सुन रही हूँ, जिनके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स हो रहे हों, जिनके हस्बैंड से ख्वाब दिखाते हैं कि देखो मोदी कर हम ज्वाइन किए हमारे लाइफ में भी ऐसे ऐसे होंगे, बहुत सारे स्टोरी सुनाते हैं और वो उनका मजाक उड़ाती हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। मैं उनको 3 बात कहना चाहूंगी, पेशेंस, ड्रीम और कोशिश रखिए। कल के सुरेखा भार्गव भी आप हो सकती हैं, कल के अनुज सर अमिता मैम भी आप हो सकती हैं, उत्तम सर प्रीति मैम हो सकती हैं, या हो सकता है राजेश सर मनीषा मैम, या फिर रवि सरोजी मैम हो सकती है, या फिर राकेश और सोनाली भी हो सकती है, या इससे भी बड़ा कोई सेलिब्रिटीज बन के आप उभर सकती है। अपने अंदर ड्रीम्स रखिए और मोदी कर को एंजॉय कीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए तो सोनाली मैम को आपने सुना, और सोनाली मैम हमारे साथ बिजनेस में कदम पे कदम मिला के हम लोग आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। मेरा नाम राकेश कुमार सिन्हा हुआ, बेसिकली मैं पटना से हूँ। बचपन मेरी ननिहाल से ही शुरू हुई, क्योंकि मैं जब तक होश संभाला तब तक मैं पिताजी को खो चुका था। ननिहाल में जब तक नानी जी थे तब तक मेरी लाइफ थोड़ी बहुत अच्छी थी, कि नानी के साथ इधर उधर घूमना फिरना सब हो जाता था और नानी सब लोग को देख लेती थी। हम लोग 3 भाई 1 बहन माँ के साथ हम लोग ननिहाल में रह रहे थे। अचानक से नानी भी चल बसी तो समझ लीजिए कि हम लोग का पूरा छत टूट गया हो ऐसा, क्योंकि अब मम्मी 150 रुपए के स्कूल का
टीचिंग करके कुछ ट्यूशन करके हम चार भाई बहन को मामा जी लोग के सहारे वो जो कर देते थे उसी के मदद से हमारी परवरिश हुई। शुरुआती दौर में परवरिश होते क्रम में मैंने माँ को कई एक बार रोते हुए देखा, कंटिन्यू रोते हुए देखा। हर वो चीज के लिए वो कोशिश करती थी हम आपको मैंने सारे बच्चों को किसी भी तरह से वो छोटी मोटी जरूरतों को पूरा कर सके। बहुत सारे लोग आप में से होंगे जो पले बड़े दूध पी के, मैं अपनी लाइफ बताऊं तो मैं चाय पी के बड़ा हुआ हूँ, क्योंकि हम चार भाई के लिए अगर दूध आता तो कितना दूध आ सकता। चार भाई बहन लगभग दो तीन साल के अंतर में है, तो दूध के जगह हम लोगों ने चाय पी के बड़ा किया अपने आप को। और तो और पढ़ने के लिए कोशिश किया तो पढ़ने के लिए जैसे तैसे कोई प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हुआ। मामा जी जब आए तो किसी पे मेहरबान हो गए तो उसको कहीं कुछ कर दिए, ये चलता रहा। हमारे साथ मामा है, उन लोगों ने जो समझ आया मम्मी को मदद करते गए और वो करते क्रम में हम लोग बढ़ते चले गए। इस बढ़ते क्रम में हमने हमारी मम्मी का स्ट्रगल को देखा, हमने हमारे मामाओं का भी स्ट्रगल देखा, चूंकि मामा लोग भी बहुत बड़े घर से नहीं थे, क्योंकि नाना जी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, नानी हमारी पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई समाज से भी थी, पॉलिटिक्स नहीं थी समाज से भी थी। उन्होंने भी अपने लाइफ में किसी भी चीज को वैल्यू नहीं दिया सिवाय समाज के प्रति। तो पता नहीं क्यों मैं भी वेरी फर्स्ट डे से बचपन से ही मेरा आदत पता नहीं क्यों लोगों के साथ जुड़ाव होता चला गया। मेरे फ्रेंड सर्किल बचपन से ही बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया। लोगों के साथ जान पहचान मैंने अपनी दम पे कह सकते हैं या टैलेंट से कह सकते हैं कि हर वो चीज जो कोई नहीं कर सकता वो मैं करने का कोशिश किया हूँ शुरू से। इसी क्रम में मैट्रिक का एग्जाम दिया, स्कूल का सेकंड टॉपर हुआ। सेकंड टॉपर होके मामा जी हमारे पास आए, बहुत खुश हुए और सब लोग को लगा कि अब तो मैं इंजीनियरिंग करूंगा। लेकिन उसी वक्त मेरे साथ हमारी एक और मामा मामी रहते थे, वो बोले कि तुम पढ़ तो रहे, तुमको पढ़ाएगा कौन। वहीं से हमारी जीवन यू टर्न लेता है और समय कैसे बदलता है समझ में आ गया, मुझे अपना वैल्यू समझ में आ गई। और माँ ने उसी समय हम लोग को कुछ ट्यूशन पकड़ा के बोले कि अब तुमको अपना अगर पढ़ाई करना है तो तुम इस ट्यूशन को पढ़ाते हुए आगे बढ़ो और हो सके तो तुम अपने साथ लोगों को आगे बढ़ाओ। ये लाइन मेरी मम्मी का उस समय है जब मैं मैट्रिक पास किया, हो सके तो लोगों को आगे बढ़ाओ। तो मुझे याद है कि मैं जब से ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और वहां से लेके मैं जितना पैसा कमाया उसका मैंने सेविंग नाम का कोई वर्ड नहीं जाना। लेकिन मेरे आसपास कौन बच्चे कहाँ पढ़ नहीं पा रहे, किसका एग्जाम में फीस नहीं जमा हो पा रहा है, मेरा पूरा पैसा ज्यादा से ज्यादा पैसा मेरा इसी में चला जाता। ये समाज सेवा मैंने मैट्रिक से ही नहीं, मैं बोला कि मैं शुरू से ही था, लोगों को अपना नोट्स लिखा देना, लोगों को एग्जाम के लिए तैयारी करा देना। मैं मैट्रिक के समय खुद तैयारी करा रहा हूँ, मैं 10 स्टूडेंट को अपने साथ एजुकेट करता था छत में बैठ के। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैं टीम वर्क शुरू से कर रहा हूँ। इस टीम वर्क से मुझे क्या फायदा मिलता जा रहा है कि मैंने मैट्रिक करी, स्कूल का कैप्टन बना, इंटर स्कूल का कैप्टन बना, मैं खेल कूद से भी बहुत जुड़ा रहा। मेरा क्रिकेट बहुत प्यारा खेल था, मेरा कैरम बहुत प्यारा खेल था, मेरा बैडमिंटन बहुत प्यारा खेल था, मैं स्विमिंग भी बहुत अच्छा करता था। ये तमाम चीजें इसके साथ मैं सिंगिंग तबला मैं बहुत अच्छा बजाता था, मैंने लंबे समय तक तबला बजाया। ये सब करने का पीछे एक ही रीजन था कि मैं हर वो चीज करने की कोशिश करता था, हर वो चीज जानने की कोशिश करता था। मैंने कहीं एक लाइन पढ़ा था कि ज्ञान आप कहीं किसी से ले नहीं सकते, आपको लेना पड़ेगा, कोई देगा नहीं, आपको लेना पड़ेगा। तो एक डॉग का जो नेचर होता है कि कुछ भी करिए डॉग हर चीज को सुनता है, चाहे वो खाए या ना खाए लेकिन सुनेगा सब चीज को। तो सेम नेचर मेरी थी कि मैंने हर वो खेल, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल में मैंने हमेशा ऑफेंसिव खेल खेला, डिफेंसिव कभी खेला ही नहीं। मैं गोलकीपर बनने में कभी विश्वास नहीं करता था, मैं हमेशा डिफेंस नहीं खेला, ऑफेंस खेला, क्योंकि गोल करना, बॉल लेके भागना है, टीम वर्क करके गोल। फुटबॉल भी मैं बहुत अच्छा खेला, क्रिकेट में हम लोग सुखदेव नारायण खेले, मैं स्कूल कैप्टन रहा। ये सारी बातें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लीडरशिप, एक वर्ड मैं बार बार बोल रहा हूँ लीडरशिप, इसको ध्यान रखिएगा। लीडर्स लीड्स बाय एग्जांपल, जो आप नहीं करवा सकते लोगों को वो आपको करके बताना होगा। और सेम चीज पे मैं ग्रेजुएशन किया, केमिस्ट्री ऑनर्स मेरी ग्रेजुएशन थी,
ग्रेजुएशन करके मैं दिल्ली, कंप्यूटर साइंस में मेरा ओ लेवल कंप्लीट था, मैं अब दिल्ली जा रहा था आगे की पढ़ाई करने और जॉब करने। उसी समय हमारे मामा जी आ जाते हैं पटना और आके अचानक से बोलते हैं कि तुम जॉब करके कितना पैसा कमाओगे, इससे अच्छा है चलो हम तुम्हारे लिए एक बिजनेस सोच रखते हैं, तुम उस बिजनेस को देखना। हमको नहीं पता मामा मेरे को किस लिए जाने बोल रहे हैं, मुझे ये नहीं पता था कि मामा हमको क्या कराएंगे, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात और बैठा हुआ था कि चूंकि हम बचपन से लेके जितने बड़े हुए, इन पूरे बड़े होने क्रम में कहीं ना कहीं हमारे गार्जियन के रूप में मामा जी लोग का एक योगदान था, तो मुझे ये कर्ज चुकाने का सबसे बेहतरीन मौका मिल गया। और मैं बिना उनसे कुछ बोले, मेरा बहुत अच्छा आईएएस की तैयारी होने वाली थी, मैं उस पर ज्यादा फोकस था, लेकिन मैंने सब चीज को साइड कर सबसे पहले सोचा कि इससे बेहतर मौका मैं अपना कर्ज जीते जी नहीं चुका पाऊंगा। मैंने एक बार मैं मामा जी को बोला कि ठीक है मैं चलने के लिए तैयार। मामा जी हम लोग को कलकत्ता ले चले गए। कलकत्ता में हमें एक चीज, एक WBR 4758 बोल के बस हम लोग को पकड़ा दिया गया और बोला गया कि इसकी देखभाल करो, इसको लेके चलो। हमें उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी गई और मैं पहली बार बंगाल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का यंगेस्ट ओनर्स बन पाया। वहां से मैं फिर से लीडरशिप डेवलप किया, क्योंकि बस को चलाने का जो काम है उसमें ड्राइवर होता है, उसमें बस एसोसिएशन होती है, उसमें कंडक्टर होता है, उसमें खलासी होता है, तो उसमें हर वो चीज होती है। तो यहाँ भी मैंने लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर पाया, लोग हमारी बातों को समझ पाए। वो छोटा सा लड़का को सारे स्टाफ बाबू बाबू कह रहा है, तो मैं उससे गर्व नहीं होता था, मैं और कोशिश करता था। मैं यहाँ तक कि आप बोल सकते हैं कि बस का एक एक स्पेयर कैसे खुलता है, कैसे लगता है, मैं सारी बातें बता सकता हूँ शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि उसमें भी मेरी इंटरेस्ट थी, जिज्ञासा थी। और बस का बिजनेस करते क्रम में लगभग 2-3 सालों में कि मैं इसमें अपनी करियर बहुत बेहतर बना सकता हूँ, तो मामा जी ने मुझे शुरुआती दौर में एक सेकंड हैंड बस दिया था, उसको हम लोग चलाते हुए अनुभव भी हो चुके थे। मामा जी अमेरिका रहते थे, वो आते जाते क्रम में हम लोग से मिलते और चले जाते थे। मैंने उनको फोर्स किया, आईवरी तक सीख लिया, भैया हमारे वहाँ पे कंडक्टरी तक सीख लिया, मतलब ये सब बात। तबीयत खराब होता है, मैं पटना आता हूँ, फिर मम्मी की देखभाल करने में मेरा 1-1.5 साल चला जाता है। इस बीच में मेरे बड़े मामा जाते हैं और बड़े मामा के समय में मेरी मम्मी भी जा बसती है, तो जब जब मैं कुछ अच्छा करने जाता हूँ तब तब मुझसे वो चीजें छीन लिया जाता है। जब जब मैं कोई चीज अच्छा करने जाता हूँ तब तब मुझसे वो अपॉर्चुनिटी छीन ली जाती है। वहां बस की अपॉर्चुनिटी थी, मैं कलकत्ता नहीं जा पाया वापस क्योंकि मम्मी का देखभाल कर रहा था, तो मामा गुस्सा उस्सा के बस उस बेच के छोड़ दिए कि तुमको इस सबसे कोई मतलब नहीं, तुम इमोशन हो चुके हो, तुमको अपना मम्मी ठीक है, तुम वहां से यहाँ चले आओ, ये सब बोल बोल के। लेकिन एनीवे मैंने माँ की सेवा की, मम्मी को पूरी तरह से रिकवर किया, मम्मी को ट्यूबरक्लोसिस का शिकार हो गई थी मम्मी, लेकिन मैंने उनको पूरा ट्रीटमेंट करा के रिकवर करा के, उस समय मेरे पास एक कंप्यूटर हुआ करता था, मैंने उसको बेच के माँ का इलाज कराया था। ये सारी बात मैं हर बार स्ट्रगल पार्ट में जाता था, मैं हर बार वहां से निकल के आ जाता था, जिद्दी था, झुकूंगा नहीं, टूटूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं। और इसी क्रम में फिर माँ चली गई तो मैंने स्कूल ज्वाइन किया, सेंट पॉल्स एकेडमी स्कूल में मुझे प्लस टू लेवल पे कंप्यूटर साइंस का टीचर बना दिया गया। मैं वहां पे कंप्यूटर साइंस पढ़ाना शुरू किया पटना में ही रह के, जो आप इनकम टैक्स गोलंबर पे जानते हैं स्कूल होगा। उस एक साल में स्कूल में पढ़ाते क्रम में स्कूल का मैं सबसे चहेता टीचर बन गया। सारे टीचर वहाँ जो पहले से एक्सपीरियंस टीचर थे उस सब लोग अब हम पे परेशान होने लगे, ये ऐसा क्या जादूगर है कि जहाँ जाता लोगों को खींच लेता है, ये क्या करता है, सारा बच्चा गुड मॉर्निंग सर इसको क्यों कर रहा है, ये तो कंप्यूटर पढ़ाता है, हम लोग तो इतने इतने सालों से पढ़ रहे। तो वहाँ भी मैंने देखा कि मैं आकर्षण के सिद्धांत पे काम कर पाता हूँ। मैं हमेशा अपने लिए कभी सोचा ही नहीं, कभी भी प्रैक्टिकल, मैंने कहा कि उस स्कूल में भी मेरी जो सैलरी हुआ करती थी, चूंकि मैं बैचलर था, मेरी लाइफ में कुछ पैसे की जरूरत नहीं थी, मेरा कोई नशा नहीं था, मुझे और कुछ आता नहीं था, मैं सिर्फ अपने काम पे व्यस्त था और ज्यादा इंटरटेन हम अपने हॉबी के साथ रहते थे। तो हॉबी में मेरा बैडमिंटन खेलना, हॉबी में मेरा क्रिकेट था, हॉबी में मेरा तबला था, हॉबी में मेरा बुक रीडिंग थी,
मैं हॉबी में लैंग्वेजेस सीखने में लगा रहता था, मुझे और किसी चीज में ध्यान नहीं रहता था। लेकिन इसी सीखते क्रम में स्कूल अचानक से मुझे छोड़ना पड़ा, और स्कूल छोड़ के फिर हम लोग एक बिजनेस के तरफ ध्यान देना शुरू किए। तो मैंने मैनहुड पार्लर के नाम से बिजनेस पार्लर खोला, और वो पार्लर हमारे जीजा जी ने स्टार्ट किया, मुझे उसमें सपोर्ट करने के लिए कहा गया। अब मैं पार्लर चलाने लगा। पार्लर में हम बैठते थे, भैया बैठते थे, ये सब मैनहुड पार्लर नाला रोड में हम लोगों ने खोला। ये करते क्रम में फिर पटना में हम लोगों ने नाला रोड में सी फर्नीचर के नाम से एक फर्नीचर फिर से मामा जी ने स्टार्ट कराया, और उसमें हम लोग को फिर इन्वॉल्व होने बोले। तो हम लोग इस तरह से बिजनेस को देखा देखी हम करते जा रहे थे, लाइफ चलती जा रही थी, हमें किसी चीज की फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मुझे उस समय बहुत बड़ा बड़ा ड्रीम नहीं था, बस हम एक अच्छे लाइफ जी रहे थे, ये देख पा रहे थे। तो एक सर हमेशा बोलते भी है सारे लोग कि गुड लाइफ इज अ एनिमी ऑफ बेटर लाइफ, ये अनूप सर का लाइन है। तो सच में हम लोगों ने जो वो गुड लाइफ जी रहे थे, सब कुछ था, अच्छा पहन लेते थे, मैंने बाइक का शौक हुआ ही नहीं था, मैंने उस समय ये सब आता ही नहीं था दिमाग में कि बाइक लेना है, कार खरीदना है, ये सब कुछ नहीं था। अनानास इसी बिजनेस को करते क्रम में हमारे एक मित्र लखनऊ से आते हैं हमारे घर आके, मुझे एक सादे कागज में साइन करा के हमसे 6600 रुपया लेके चले जाते हैं। और ये मेरा लाइफ का पहला गलती हो सकता है या पहला सही हो सकता है कि मैंने वो 6600 रुपया जिसे दिया वो दोबारा हमसे मिलने कभी नहीं आया, क्योंकि वो जो लखनऊ गए वो लौट के उस बीच में नहीं आए। 6 जुलाई 2005 को कोई व्यक्ति फिर हमको कॉल करते हैं बर्थडे विश पे, और अचानक से वो कॉल मुझे रात के 10 बजे आते हैं और बोलते हैं कि मैं आपके घर के नीचे हूँ। ये और कोई नहीं, वो एमबे में उसी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में, ए नाम की कंपनी के लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में एक बिहार के लीडर थे, जो मुझे रात के 10 बजे नॉक कर रहे हैं और मुझे जन्मदिन बधाई देने मेरे घर आए थे, जबकि मैं उनको जानता तक नहीं। वो कहाँ से मेरा एड्रेस लिए, वो कैसे मेरे बारे में जाने, लेकिन उन्होंने ही मुझे पहली बार रात के 10:30 बजे मेरे सारे फैमिली के अगेंस्ट होने के बाद भी उन्होंने बैठ के मेरे घर में जबरदस्ती बैठ के मुझसे जबरदस्ती डायरी निकलवा के मुझसे अनानास बोले कि राकेश आप कुछ सपना लिखिए। मुझे झल्ला सा गया था मैं अंदर से, मैं परेशान था कि आदमी को क्या सुझा, ये रात आके मुझे भी परेशान कर रहे और मैं परेशान हो रहा, इसमें ज्यादा कोई बात नहीं है, हमारे पूरी फैमिली परेशान हो रही है, वो लोग बोले कि कौन है, इनको भगाओ इनको भगाओ, पीछे से आवाज भी आ रहा। लेकिन वो व्यक्ति एकदम जिद्दी थे, उन्होंने मुझसे मेरे सपने लिखा ही डाले। उस समय मैंने कुछ ऐसे ऐसे सपने जानबूझ के लिखा जो भी कुछ वो बताए थे उसके बिहाफ में, और वो सपने लिखा हुआ डायरी मैं आज भी आपको कभी भी व्हाट्सएप कर दूंगा, मैं लेके नहीं बैठा हूँ। उस डायरी में मैंने जितनी बातें लिखी वो बात आज कब के पूरे हो गए मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं फिर उसके बाद उसमें कुछ भी नहीं कर पाई। उन्होंने मुझे एक 40 रुपए का टिकट भी बेच के चले गए, और मैं वो लेके रविंद्र भवन में पहली बार उसकी मीटिंग में गए, वहां देखा कि ये तो सपनों की दुनिया है, यहाँ तो लोग इतने बड़े बड़े बात बोल रहे, क्या ये सच में पूरा होता है क्या? अगर ऐसा होता है और ऐसा होता होगा तो ये मैं जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि उनसे जितनी इंस्पिरेशन मिलनी थी मैं तो उनको झकझोर के भगाया था, लेकिन वो जो 40 रुपए की टिकट थी जो रविंद्र भवन में उस दिन की मीटिंग थी, उस मीटिंग में उत्तम प्रकाश गुप्ता सर भी थे, उस मीटिंग में और भी बहुत सारे मुकेश सर भी थे, उस मीटिंग में और भी विनय वाजपेयी सर भी थे, और ये सब लोग वहां पे थे, और इन लोगों को देख के मैंने सोचा कि ऐसा भी जीवन होता है क्या? और ये मेरी लाइफ की एक गलत डिसीजन थी कि मैं एक एक करके शाम में जो भी ट्यूशन या जो भी क्लासेस लेता था मैं सारा बंक मारना शुरू किया, और धीरे धीरे इन लोग के साथ रहना शुरू किया। रहते रहते ये लोग जहां जब जिस मीटिंग में जाने आने ये सब बोलते गए, मैं करता गया, लगभग 2.25 लाख रुपए की मेरी वेस्टेज हो गई। वर्ड है वेस्टेज, लेकिन उसी वेस्टेज से, उसी गार्बेज से मेरा ये शरीर आज आपके सामने जो तैयार है, उसमें जितनी किताबें मैंने पढ़ी, उसमें जितनी सीडी हमने सुनी, उसमें जितनी सेमिनार वेबिनार जितनी सारी चीजें हमने अटेंड किया, उन सबसे ये ब्रेन को एक मैसेज चला गया कि राकेश अब कुछ बड़ा करना है, राकेश अब कुछ बड़ा करना है, राकेश अब तुम बड़ा कर सकते हो, राकेश तुमसे सब कुछ हुआ, अब ये भी एक चैलेंज है कि तुमको इस फील्ड में भी आगे बढ़ना। तो मैं एक बात पहले समझ गया था कि उस ए नाम की कंपनी में मैं बहुत दिन टिक नहीं पाऊंगा,
क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए असंभव था, क्योंकि मेरा जो इंटायर सर्किल थी, मैं बहुत ज्यादा हाई फाई फैमिली के साथ इंटैच नहीं था। इसलिए फिर से मेरी माँ की एक बात हमेशा हमको याद आई और उन्होंने हमसे कहा कि अपने से ऊपर के लोगों के साथ अपना दोस्ती बढ़ाओ। किसी बात पे ऐसा हुआ था मम्मी के साथ घटना, और मम्मी ने मुझे ये बात कहीं जाते समय बोल बैठी थी कि अपने से ऊपर के सर्किल को बनाओ। किसी कारण से ऐसा हुआ था घटना लाइफ में, और ये वो दिन था जहाँ से मैं अपने डॉक्टर्स का लिस्ट, आईएएस का लिस्ट, आईपीएस का लिस्ट, क्योंकि मैं टीचिंग लाइन में जब था तो ट्यूशन भी लेता था, सीबीएसई, आईसीएसई, बिहार बोर्ड, सारे बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता था। पढ़ाते क्रम में मेरे बहुत सारे सर्किल बनते गए और फैमिलियर होते गए सर्किल। मेरे पार्टी में, मेरी मम्मी के श्राद्ध में, जब हमने मम्मी का श्राद्ध किया, उस श्राद्ध में मुझे याद नहीं है कि कहाँ से वो 5000 लोग आए, मुझे ये याद नहीं है। मैंने अरेंज भी नहीं कर पाया था उतना, लेकिन सब आते गए लोग, जिस तरह से सैलाब से लोग खा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, तो सबों ने बोला कि ये क्या हुआ। तो उस समय ही हम लोगों ने लोगों को कमाना सीख लिया था। लोग कमाते क्रम में एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एमबीए के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया। वहां पे मेरी चांदी हुई, मैं 7.5 लाख महीना तक गया, लेकिन अचानक से वो चांदी नीचे से चादर खींच लेने से धराम से गिरता है और पता नहीं लाइफ कहाँ चला जाता है। उसी बीच में फिर हम लोग एक कंपनी जहाँ रवि सर, राजेश सर थे, इन्हीं के कहने पे हम लोगों ने स्टार्ट किया। वहां भी हम 3-3 आईडी पे टैपिंग लगाई, रॉयल्टी लगाए, और ये सब होते हुए हम लोग का महीने का 3 लाख 3.25 लाख महीना आता था। पैसे खूब कमा रहे थे, लेकिन जैसा कि रवि सर भी कहते हैं कि सब कुछ दिखाई दे रहा था लेकिन स्टेबिलिटी कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। मैंने कल क्या होगा, जो रात में आराम से सो जाए कि कल तो रहेगा ही सब कुछ ठीक ठाक, ये वहां भी नहीं दिख रहा। ये लाइफ चलता जा रहा था सर। मैं कंटिन्यू स्ट्रगल कर रहा था इसी इंडस्ट्री में, क्योंकि मैंने भी कसम खा लिया कि जब जात गवाया हूं तो भात यहीं से खाऊंगा, अब मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। और इसी इंडस्ट्री में पलते बढ़ते गिरते उठते मुझे, मेरी शादी 2012 में जो हुई 20 फरवरी को, उससे पहले मात्र 3-4 महीने पहले से ही हमारे पास मोदी केयर आना शुरू हो चुका था। और मोदी केयर की पहली सीट, मोदी केयर की दूसरी सीट, हर बार मैगजीन आती गई। उस मैगजीन में एक हमेशा हम लोग के आंख में गड़ती जाती थी, वो है डॉक्टर सुरेखा भार्गव में, और प्रमोद आचार्य जी के बारे में हम बहुत बार सुनते थे, उनके बारे में भी देखते थे कि ये एकदम से बहुत ग्राउंड से मेहनत किए थे। ये दोनों फोटो हमारे दिमाग में सेट था, इन दोनों के बारे में मैं जान चुका था ये दोनों स्ट्रगलर है। और 2012 में भी मेरे पास मोदी केयर आई, हम लोगों ने नहीं किया। 13 में आई, हम लोगों ने नहीं किया। हम लोग बोलते थे कि करना भी होगा तो यही सब करेंगे, ये शब्द मेरे किसी काम के नहीं रहे, क्योंकि आज हम लोग मोदी केयर में है। और जो गॉड प्लान करते हैं वो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आपको अंतोगत्वा वही आना पड़ता। तो हम थैंक्स करना चाहेंगे मेरी वाइफ को कि इन्होंने मेरे वर्स्ट सिचुएशन में, जब हमारी शादी हुई उस समय मैंने इनको जिस स्थिति में घर लाया था, और अचानक से मेरे घर में भी बहुत सारे स्ट्रगल आ गए, चूंकि आप समझ सकते हैं कि शादी के बाद क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, वो चैलेंज मैं अभी इसमें डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन उस चैलेंज में हम लोग एकदम से रोड पे आ चुके थे। कुछ भी नहीं था अपने पास, कुछ भी नहीं, जो हमारे जो पैसे मैं लुटा रखा था, लोगों को दे रखा था, उन्हीं लोगों को जब जब मेरे बारे में कुछ पता चला, वही कुछ गेस्ट, वैसे ही कुछ मित्र, जिन लोगों ने मुझे मदद कर करके मेरी बीच की लाइफ को चलने में मदद किया, कहीं से कोई 2000 दे दिया, कहीं से कोई 1000 दे दिया, हमने कभी मांगा किसी से नहीं, उन्हें कहाँ से खबर होती थी मुझे नहीं पता, लेकिन सो कॉल्ड हमने लाइफ को जीना सीखा। एक चीज सीखा कि मैं मांगा नहीं था मामा जी के पास। आज के डेट में हम एक मामा जी लाइफ सुन रहे होंगे क्योंकि मैंने उनको ही भेजा है। मामा जी को अगर मैं खाली हल्का सा मामा जी के साथ रहने लग जाऊं तो मैं अरबों का मालिक हूं, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस मामा जी हमेशा चाहते कि मैं उनके साथ रहूं। लेकिन मैं उनको आज भी प्रणाम करता हूं, मैं आज भी उनसे बात करता हूं, सारा चीज करता हूं, लेकिन मैं स्वावलंबी बनना चाहता था, मैं सेल्फ परिचय अपना बनाना चाहता था, मैं अपने दम पे कुछ खड़ा होना करने की कोशिश कर रहा था, और शायद मैं बहुत जिद्दी था बोल के मामा जी भी समझ गए और उन्होंने मुझे
विश किए कि तुम जिंदगी में जो चाहते हो तुम ले लोगे, मुझे ये पूरा विश्वास है। आज वही मामा जी हमें हर सक्सेस पे हर बार हम लोग को फोन करके विश करते हैं और सच में वो हम लोग को बहुत प्यार करते हैं, तो हमें सारे मामा प्यार करते हैं। फिर बात आई, एक दिन हम लोग कोई और कंपनी में काम करते हुए क्रम में सक्सेस कर ही रहे थे, इस बीच में हमारे अपलाइन में हमारे उत्तम सर भी थे, मुकेश सर लोग भी थे, वो लोग छोड़ के कुछ और डिसीजन ले लिए, हम लोग इधर अपना काम कर रहे थे, तो अचानक से उन लोग हम लोग को कुछ और बताने की कोशिश किए, तो हम लोग ने उत्तम सर को सीधे ना बोल दिया कि सर अभी मुझे छोड़ दीजिए, मैं अभी जिस लायक हूँ वही रहने दीजिए, मुझे अगर करना हो तो मैं आपको फोन कर लूंगा। उत्तम सर को सच में हमारे साथ स्ट्रगल करना पड़ा, वो हम पे हमेशा फेथ रखे, कोशिश करते रहे, लेकिन मैं उनको हाँ कभी नहीं बोल पाया। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन तीन कारणों से मैं मोदी केयर को स्टार्ट किया, मैं आज आपको बताना चाहूंगा। एक, मैं जिस कंपनी में उस मोदी केयर से पहले काम कर रहा था वो एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी थी, उसमें मेरी बहुत पहली पहचान बन गई थी, इंडिया लेवल पे नहीं वर्ल्ड लेवल पे। लेकिन उसकी मैनेजमेंट में मैंने एक लूप देखा और उस लूप को मैं तुरंत भाप के मैं तैयार हो गया था कि अब मैं इसको ज्यादा रन नहीं कर पाऊंगा, ना मैं इसको लेकर आगे बढ़ाऊंगा। एक रीजन वो था कि उस कंपनी में लूप थी। दूसरा रीजन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे टीम में हमारे कुछ लोग हमसे पहले काम शुरू कर दिए थे, उसमें रणधीर कपूर को मैंने ज्वाइनिंग उत्तम सर को दे दिया था, इसको जहां लगाने लगा लीजिए, मुझे मोदी केयर से कोई मतलब नहीं है। रणधीर जी काम स्टार्ट किए उत्तम सर के साथ, वो काम कर ही रहे थे कि अचानक से रणधीर जी का भी दिमाग में कहीं कोई और प्लान दिख गया और वो मोदी केयर को छोड़ के उस प्लान को स्टेबल करने में चले गए। और इस बात को लेकिन उन्होंने मुझे फोन पे बता दिया था, तो मेरा तो उसी दिन दिमाग का घंटी बज गया, अरे यहाँ कुछ तो हो रहा था, अब तो इसके चक्कर में ये भी चला जाए। तो दो कारण, और तीसरा कारण था कि 20 अक्टूबर 2016 को डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम जब अपना सातवां गाड़ी जो आप जानते हैं मर्सिडीज एस क्लास उन्होंने निकाला, और 21 तारीख को सुबह सुबह व्हाट्सएप पे सारा फ्लरिश हो रहा था, वही व्हाट्सएप सुबह हम दोनों चाय पे मेरा व्हाट्सएप खुला, हमने देखा, मैंने इससे कहा कि देखो हम लोग क्या जीवन जी रहे हैं और इनको देखो ये सातवां गाड़ी निकाल चुकी, ये अपनी लाइफ में धीरे धीरे क्या क्या चीज बना ली और हम लोग अभी तक स्ट्रगल ही कर रहे हैं, तो हम बस इसको बोले। और उसी समय मैंने एक माइंड सेट कर लिया और 8:30 बजे राजेश गुप्ता सर को फोन करते हैं कि सर आज से मेरा मोदी केयर का पहला दिन। राजेश सर भी हमको विश करते हैं, हाँ राकेश सर आप अच्छा कर सकते करिए। 9:30 बजे मैं उत्तम सर को फोन करता हूँ, सर मुझे एक बार और आपसे प्लान समझना है। उत्तम सर भी एक्साइटेड, क्या हो गया? बोले नहीं सर एक बार और आपसे प्लान समझना है। तो उस दिन 2:30 बजे का समय सर ऑफिस में देते हैं, हमने सर का प्लान डेमो देखा, 22 से 23 मिनट हुआ नहीं कि मेरा दिमाग कुछ और सोचना शुरू कर दिया और उत्तम सर कुछ और बताना शुरू कर दिए, दोनों मिसमैच कर रहा था। मैं उठ के जा रहा था, क्यों? क्योंकि वहां पे उन्होंने एक चीज का डिमांड किया, बोले कि एक मैजिक कॉर्नर है इसको लेके आप शुरू कीजिए तो हम आपको बिजनेस में मदद करें। मैंने उनको हल्के से ही हिंट किया कि सर मैं अभी आपको अपना स्थिति बताए मेरा पोजीशन क्या है। पोजीशन ये था सर कि वो बेटी का फीस तो सिर्फ आखिरी दम था, उससे पहले और बीच में इतने तरह के लाइबिलिटीज में हम डूबे पड़े थे कि हर वो फोन आता और हम लोग का नर्वस सिस्टम सीधा चेहरा उदास हो जाता, हर वो फोन आता और हम दोनों का नर्वस सिस्टम उदास हो जाता। मतलब 8 साल में जो हम लोग मोदी केयर 21 अक्टूबर 2016 से पहले की बात करें 20 फरवरी 2012 से, ये पूरा जीवन ये मेरे साथ सिर्फ परेशान 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 रही, क्योंकि जब जब कोई ना कोई फोन आए तो ये हमको टेंशन में देखती थी, क्यों कोई ना कोई फोन करे, इसलिए 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 क्योंकि हम लोग एक बहुत बड़ा करप्शन कंपनी में बहुत बड़ा बिजनेस करके बहुत तेजी से ऊपर जाके अथराम से नीचे गिरे थे, तो 4,66,00,000 की लाइबिलिटी पूरी टीम की हम लोग की आ गई थी, जिसको कैसे कैसे सारा चीज हैंडल करते करते यहाँ तक कि मर्डर नहीं हुआ बाकी सब हो गया हमारे साथ। लोगों ने हर वो चीज मेरा जो कमाया हुआ मेहनत से था वो सब छीनता चला गया। मेरी गाड़ी किसी ने छीन ली, मेरी जमीन किसी ने, वो भी सुन रहे होंगे, मेरी जमीन किसी ने छीन लिया, मेरा हार्ड एंड जमा मनी जो बीसी में हम जमा कर रहे थे
वो किसी ने रख लिया, मतलब हम लोग को पूरी तरह से नंगा कर दिया कंप्लीटली। मतलब कि मैं आपको कह सकता हूँ कि मैंने अपने शादी से लेके उस 2016 तक हम लोगों ने ज्वेलरी क्या होता है ये सच में नहीं जाना। मतलब नथनी 10 रुपए का, टॉप 10 रुपए का, मंगलसूत्र 40 रुपए का, पायल 140 रुपए का, ऐसे ही कुछ चीजें थी जो हम इसको दे पाए थे। लेकिन हम थैंक्स करेंगे कि मोदी केयर में हमारी आईडी लगी थी। मोदी केयर हम लोगों ने 21 अक्टूबर को प्लान डेमो देखा। उत्तम सर ने मुझे नेग्लिजेंसी के भाव से नहीं बोला, उन्होंने मुझे कहा था कि ये अरेंज कर लीजिए तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन फिर धन्यवाद देना चाहेंगे कि जब उत्तम सर पहली बार हमारे पास आए थे तो एक डेमो किट हमारे यहाँ छोड़ के गए थे, और उससे पहली बार जब हमारे पास आए थे एक सोफ वाश छोड़ गए थे, एक सोफ वाश और एक डेमो किट। ये उत्तम सर के तरफ से हमारे लाइफ में एक गिफ्ट है, और वो डेमो किट और वो सोफ वाश आज हम उत्तम सर को किस तरीके से लौटा पाए वो सर कभी बताएंगे। लेकिन उसके साथ साथ जब मैंने जाना कि हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में अनूप सर जैसे, राजेश सर जैसे, रवीश सर जैसे, ये तीनों जो है वो जादूगर है, मतलब मैजिशियन है। मैजिशियन हम लोग इसलिए कहते हैं कि ये भी उतने ही एक्सपर्ट हैं, ये भी उतना ही एक्सपीरियंस है, ये भी उतना ही स्ट्रगलर है। इनकी भी आप बीती मैं बहुत लोगों का जानता हूँ, क्योंकि अनूप सर के भाई साहब को मैं बहुत नजदीक से, वो हमारे बहुत नजदीक भैया हैं, अतुल भैया को मैं बहुत दिनों से जानता हूँ, इसलिए मैं अनूप सर के बारे में बहुत सारी बातें पहले से जानता हूँ। और राजेश सर तो कभी हमारे साथ रह चुके, रवीश सर कभी हमारा क्रॉसलाइन रह चुके, तो इसलिए मैं सबका पोटेंशियल को देख लिया था। तो मैं उत्तम सर की नेग्लिजेंसी के बाद भी मैं सोचा कि अब गलती नहीं करना, अब ना नहीं कर सकते हैं। अब अभी अगर हम मोदी केयर को किसी छोटी छोटी वजहों से, अगर परेशानियों से छोड़ के निकल जाएंगे, तो फिर जो वो जो सपने, वो जो पागलपन थी, वो जो उल्टा सीधा बात जो हमने सोनाली को हमने बहुत सारी बातें बोलते थे, ये हर हमेशा हम जब इसको सपने की बात करते थे, ये हर बार हमको चिराग के कुछ न कुछ कहानी के तौर पर घुमा के फेंक देती थी। उसमें एक बात ये हमेशा बोलती थी कि बिल्ली कबूतर आंख बंद कर लेगा तो बिल्ली कबूतर को नहीं खाएगा क्या। मैं जब भी कोई भी बात बोला हूँ, जब भी किसी भी ड्रीम की बात करता था, कि हर बार मेरे साथ ये लाइन जोड़ देती थी, और मैं शर्म से फिर बैठ जाता था अपने आप में महसूस के। लेकिन मुझे भरोसा था कि मुझे इसको एक अच्छी जिंदगी देनी है, मुझे भरोसा था कि मैं अपने बच्चों को भी एक अच्छा जिंदगी दूंगा, मुझे भरोसा था कि जो हम पे भरोसा करते मैं उनके लाइफ में कभी कोई क्षति या कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। और शायद इसीलिए जब हम लोगों ने मोदी केयर की शुरुआत करना शुरू किया तो मैं कंपटीशन में उत्तम सर को ही रखा, क्योंकि जब आप एक हेल्दी कंपटीशन करते हैं और जब आप विनिंग एटीट्यूड रखते हैं तो रेस उन्हीं के साथ लगाना चाहिए जो रेस में आप आगे। तो मैंने एकदम बको ध्यानम उत्तम सर को फोकस किया। मैं जब मोदी केयर स्टार्ट किया था, उत्तम सर प्लेटिनम डायरेक्टर थे हमारे बिजनेस में, उन्होंने सपोर्ट के नाम पे हमारी पूरी टीम को वो संभाले हुए थे। हम सिर्फ एक ही काम कर पाए कि मैंने पूछा कि मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, तो उन्होंने बोला आप देख लीजिए, और देख लीजिए मैं हमने एक सिस्टम बनाई कि मैं अभी कुछ दिन ज्वाइनिंग पे काम करूँ। ज्वाइनिंग पे काम करने के लिए मैंने अपने डाटा खोलना शुरू किया, उस डाटा में ज्यादातर लोग मेरा नेग्लेक्ट करना शुरू किया, इसलिए नेग्लेक्ट करना शुरू किया कि फिर एक काम, अब कितना बजाओगे तुम उनको, कहाँ कहाँ यूज करोगे। लोगों का एक से एक ताना बाना था मेरे डाटाबेस में से, मैंने जितने लोगों को कॉल करने की कोशिश की आधा से ज्यादा लोग तो मुझे नेगेटिव किए। उसी बीच में मेरा जिसका सबसे ज्यादा नंबर्स था वो मोबाइल चूर हो जाता है, उसमें एक भी मैंने डाटा नहीं बच पाता। तो मैं अनजान लोगों की दुनिया में फिर से घुसता हूँ, मुझे प्रोस्पेक्टिंग आता था, हम लोगों ने सवाल ही जवाब है किताब को थोड़ा अच्छे से पढ़ लिया। उस किताब में कुछ बातें ऐसी थी जो अगर आपको कुछ नहीं कर पाए तो भी आप हाथ तक ला सकते हैं। हमने थोड़ी सी लोक व्यवहार में कुशलता को पढ़ी थी, हमने थोड़ी सी बिजनेस स्कूल किताब पढ़ा, हमने बड़ी सोच का बड़ा जादू को देखा, हमने सोचिए और अमीर बन जाइए पढ़ा, हमने रहस्य को जाना, हमने आपके अवचेतन मन की शक्ति को जाना। ऐसे हमने 250 किताब तो हम लोग भी अपने लाइफ में पढ़े, और वो किताब जो हमारे दिमाग को डाला उस दिमाग को मैंने स्थिर रखा, पेशेंस को हमने अपना लाइफ का ढाल बना लिया।
पेशेंस, मेरा भी वक्त आएगा, अपना दिन आएगा, लेकिन खाली बैठ जाने से नहीं आएगा। इसीलिए कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, मैं रोज किसी ना किसी से नीचे आपको बता दूं कि बीच में थोड़ी सी कि हम लोग ने मोदी की शुरुआत करी तो मुझे बीच में हम लोग जब कैनवीज कर रहे थे तो इसको एक पायल भी हम गिफ्ट कर पाए थे, उस पायल को हम लोग जब रखे हुए थे अचानक से एक समय आया कि हमको वो पायल भी बेच के जूता खरीदना पड़ा, क्योंकि उत्तम सर मीटिंग में आने बोले थे, संडे मीटिंग में बीआईए हॉल में आई। बिजनेस की शुरुआत करने के लिए मैजिक कॉर्नर 22,000 रुपए कहाँ से जुगाड़ हुए, तो हमने अपने एक सिस्टर को फोन किया जिससे कभी आज तक पैसा नहीं मांगा, आज सिस्टर भी लाइव होंगी, उनको अचानक से फोन किया कि मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है। उस समय मेरे पास गाड़ी थी जिसकी ईएमआई 3-3 किस्त पड़ी हुई थी, मैंने उसी बहाना मार के उनको फोन किया कि दीदी हमको 10,000 रुपए चाहिए। बोले क्यों, तो गाड़ी का ईएमआई आगे पीछे हो गया। 5,000 रुपए हमारे एक मित्र जिसको हमने फोन किया, अगर हरिशंकर गुप्ता सर सुन रहे होंगे या जो लोग भी जान रहे हैं राजा राम को, तो मैंने राजा राम जी से 5,000 रुपए लिए। राजा राम को अगर हम मोदी कर के लिए पैसा मांग रहे हैं बोल के मांगते, तो राजा राम हमको वो पैसा नहीं देता। क्यों? क्योंकि जब हम पैसा मांगने के बाद, उससे लेने के बाद, और उसको जब हम घर में मीटिंग के लिए बुलाए, तो वो बोला अरे गुरु जी मेरे घर आइए, मोदी केयर हम शुरू कर चुके थे, और वो हमको घर में स्पेशली बुला के राजा राम बैठा के समझा रहा है कि गुरु जी दो दो बच्चे हो गए आपके, शादी शुदा हो गया, आपको समझ में आ रहा है? अरे महाराज अभी सब लन फन देवानंद कब तक करिएगा, इससे जिंदगी चलेगी क्या? राजा राम भाई हमारे तब तक दुकान ले चुके थे, वो एक अपना कॉस्मेटिक का बहुत सुंदर सा दुकान होलसेलर का खोल चुके थे, और वो हमको ये समझा रहे थे, लेकिन तब तक हम उससे पैसा ले चुके थे। 7,000 रुपए हमारी साली साहिबा ने हमको सपोर्ट की, और ये 22,000 की मैजिक कॉर्नर की ओपनिंग हमारे घर में हमारे उत्तम प्रकाश गुप्ता सर आए, उन्होंने ये प्लान डेमो हमारे 17 लोगों के बीच में, हम पलंग में ही ये मीटिंग किए थे, क्योंकि मेरे पास उस समय ड्रॉइंग रूम नहीं हुआ करता था, जो पलंग में आप 17 लोगों को कैसे बैठा सकते हैं, वह बैठा के देख लीजिएगा, अगर हो सके तो गिन लीजिएगा। लेकिन उस 17 लोग के बाद आगे पीछे सब मिला के हम लोग टोटल 31 आदमी हो गए थे, उसमें रणधीर सर भी थे, उसमें राकेश सर भी थे उस मीटिंग में। तो ये कुछ बात हम आपको इसलिए बोल रहे हैं कि कल आदित्य सर एक बहुत अच्छा लाइन बोले कि साधनों से नहीं कुछ होता, संसाधनों से नहीं कुछ होता, साधना से सफलता मिलती। तो सच भाई आपने बिल्कुल सही कहा कि साधना हम लोग ने साध लिया था कि मोदी केयर में टॉप लेवल तो ले ही के दम लेना, मोदी केयर में एक अच्छी जिंदगी तो जी के ही दम लेना, मोदी केयर में सिटी वाला लाइफ तो हमको लेना ही लेना है, और संसाधन हमारे पास थे नहीं थे मैंने उनको कभी चैप्टर नहीं बनाया। मैजिक कॉर्नर तो ले लिए, फिर ऑफिस जाने के लिए मेरे पास फिर पैसे नहीं, तो हमारे गुल्लक थे, उस गुल्लक को हमने तोड़ा, उसमें से 7 रुपया 10 रुपया 15 रुपया ऐसे ऐसे करके बटोरे उटोरे, तो हमको लगता है कि 225 या 300 रुपया था क्या, और उसी में से हम लोगों ने 7 रुपया 14 रुपया ऐसे निकाल निकाल के जाते थे, ऑटो पकड़ते थे, ऑफिस पहुंचते थे, वही लोगों को प्लान डेमो करते थे। रंजन सर गवाह है, हरिशंकर गुप्ता सर गवाह है, जितने लोग गवाह है वो सब सुन रहे होंगे कि मैंने जब अपनी बिजनेस की शुरुआत करी तो मेरे पास संसाधन नहीं थे, मेरे पास बाइक भी नहीं था, कार चलाने की मेरी औकात नहीं थी, गाड़ी तो थी, और उस परिस्थिति में भी मैंने एक भी चीज को सहायता के रूप में नहीं रखा, मैं जो था उसी पे करने की कोशिश करी, डाउनलाइन के पीछे बैठ के उसके लिए काम करने का बहाना बना के, कभी सोनू जी के साथ, कभी रणधीर जी के साथ, रविकांत एक बहुत अच्छे लीडर थे, अभी वो सुन रहे कि नहीं पता, रविकांत ने मेरे एक लेग पे बहुत अच्छा सपोर्ट किया, रविकांत हमें अपने बाइक पे अपने पैसे दे के, साहिल जी हमको अपना कमर से बेल्ट खोल के मीटिंग में जाने के लिए हमको स्पेशली बोले कि सर ये वाला बेल्ट आप पहनिए, ये वाला बेल्ट आपका ठीक नहीं लग रहा है। तो मैं बोला तो कि मेरा ध्यान एक ही तरफ था, मैं किस परिस्थिति में हूँ, मेरे अंदर क्या है, तो एक लाइन में जानता था कि आज आप कंगाल हुए, और मुझे भी ये बात पता था कि मैं कंगाल था, गरीब नहीं था, मुझे वापस अपने को बाउंस बैक लाना था, इसलिए मैं किसी भी चीज को रीजन नहीं बनाया, सिर्फ आगे फोकस रखा कि मुझे आगे बढ़ना है। दोस्तों मैंने जब मोदी केयर की बिजनेस शुरुआत करी तो मुझे एक चीज का डर और लग रहा था कि यहाँ हम सफल होंगे तो बहुत अच्छा,
नहीं होंगे तो उसके बाद मेरा सारा दरवाजा लगभग अब बंद हो चुका है, क्योंकि मुझे याद है कि जब हम जैसे ही मोदी केयर शुरू किए तो हमारे सास ससुर, हमारे साला, हमारी साली, ये फुल फैमिली इकट्ठा हो गए, मुझे बीच में बैठा के समझाने की कोशिश किए, ये आप क्या करने जा रहे साबुन तेल का बिजनेस, आपको समझ में आ रहा है आप क्या कर रहे हैं, आपका तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको पता है हमारा सर समाज क्या होता है, वहां पे लोग क्या सोचेंगे, आपको अगर कोई बिजनेस समझ में आता है आप कोई बिजनेस ढूंढिए, मैं पैसा जुगाड़ करता हूँ, ससुर जी का ये लाइन था। मैं इतना इरिटेट हो चुका था अपने सपनों के साथ, मैं इतना पैशनेट हो चुका था अपने सपनों के साथ, मैंने कैलकुलेशन कर लिया था अपने दिमाग में कि हम हर हाल में 1 करोड़ महीना जाएंगे, और वो पागलपन मेरे ऊपर इतना सवार था, अभी ससुर जी सुन रहे होंगे, हम माफी चाहेंगे, मैंने उस दिन उनको बोल बैठा कि अगर आपको इतना ही ज्यादा चिंता है मेरा तो आप चाहें तो बोलिए तो हम आपकी नौकरी लगा देते, मतलब मेरे पास सारी व्यवस्था थी, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे फॉरेन में 1 लाख की नौकरी भी मिली, मैं वो भी कर सकता था, मैं आपको अपना बायोडाटा दिखा सकता हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस के तौर पे हम लोगों ने इतनी तरह की एक्टिविटीज किया है अपने लाइफ में, हर वो चीज हमने देखा है अपने जीवन में, मैं एक कंपनी भी चलाया हूँ, शायद आप लोगों को पता हो, उसी में ये मेरी खोज है, ये खोज उस कंपनी का ही देन है। तो उस कंपनी में मेरे 70 इम्प्लॉय हुआ करते थे, 11 ब्रांचेस थे हमारे, रजिस्टर्ड ऑफिस हमारा कलकत्ता था, पटना सुकृति कॉम्प्लेक्स में 104-106 हमारा बिल्डिंग ऑफिस थी, हम जहानाबाद में ऑफिस खोले थे, हम मसौढ़ी में ऑफिस खोले थे, ये मिथिलेश जी बता सकते हैं, ये रणधीर जी बता सकते हैं आप लोग को, मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 29 फरवरी 2012 को, 29 फरवरी, 1 मार्च का पेपर आप उठा के देख लीजिए, पूरे इंडिया के पेपर में मैं छाया हुआ हूँ। उस समय मेरे विजन थे कि मैं लोटस श्री बिजनेस इंडिया लिमिटेड का सीईओ था, कंपनी हमने फॉर्म किया था, 8 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे हमारे, सारे लोग को मिला के मैंने एक तो ऐसा यूनिट बनाया था जिसमें मैं 14 सेगमेंट में काम कर रहा था, फार्मास्यूटिकल्स में, रियल इस्टेट में, इंश्योरेंस सेक्टर में, सारे सेक्टर्स में, वो बाद में बात करेंगे कभी, लेकिन मैं एक सीईओ भी था। लेकिन मैं अगर मोदी केयर स्टार्ट करते समय सर लोग के बीच में अपना वो एटीट्यूड लेके चलता तो शायद आज हम सर लोग के साथ इस जगह पे नहीं हो पाते। तो मैं एक चीज और जानता हूँ कि जब आप जहां शुरू होने जा रहे हैं तो जब तक आप गिलास खाली नहीं करेंगे आप अच्छी चीजों को नहीं ले पाएंगे। अगर मेरी क्लास भरी होती तो ये जो संस्कार आज जो मोदी केयर में हमको बताया, तो कि परिवार के अपोजिशन होते हुए भी सर लोगों का BIA हॉल का मीटिंग, सर लोगों का 2 तारीख का ट्रेनिंग, सर लोगों का हर वो अरेंजमेंट, हर वो मैनेजमेंट, हर वो चीज जो आगे बढ़ चढ़ के करावा देना लोगों के द्वारा, आज हम सैल्यूट करते हैं, ये 3 व्यक्ति सक्सेस नहीं है, इस 3 व्यक्ति ने कितने घरों को सक्सेस के तरफ विश्वास दिला दिया है, आज एक छोटा सा बच्चा को भी, आज हमारे परिवार में मेरी छोटी बेटी 3 साल होके 4th साल में गई है, हम पूछते हैं उससे कि बेटा बड़ा होके क्या बनोगी, तो बोलते GBD आपके जैसा, हमको भी मीटिंग लेना है पापा, देखते होंगे कि बीच बीच से घुस जाती है, पापा आप लाइव जाओ, पापा आप लाइव रहो, ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैंने ये कुछ किया है, ये सब किसी ने मुझे करा दिया है, ये जो हमारे गुरुजन हैं, इन लोगों ने हम लोग के अंदर वो पोटेंशियल मेंटेन, आज हम शुक्रगुजार हैं कि आप सोचिए कि ये जो नग है, हम तो नहीं जानते ना हमारा वैल्यू क्या है, लेकिन इन लोगों ने हमारे इस वैल्यू को क्रिएट किया, एडिफाई किया, लोगों के बीच में हम लोग को रखे, हम लोग को मौका दिए, हम लोग बोल पाए, और एक बार हमारे में कैपेसिटी थी नहीं थी, एक बार फिर मौका देना नहीं थी, फिर एक बार देना, इस तरह से मौका दे दे के वो तो चाह रहे कि आप सभी जो हमको सुन रहे हैं, अभी जितने व्यूअर्स हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप में वो क्षमता है, ये कभी भी आपको कुशल होने नहीं बोलते हैं, ये आपको शुरू करने बोलते हैं, हर वो काम आपको सिर्फ शुरू करना है, कैसे होगा आप इन पे छोड़ दीजिए। हम लोगों ने पूरी तरह से अपने आप को सोल्ड आउट किया है अपने ग्रेट अपलाइन के बीच में, हर वो समय हर वो वक्त आप हमको एज ए आप देख सकते हैं कि हम हनुमान हैं, ये लोग हमको जो बोलते हैं, जहां बोलते हैं, जैसे बोलते हैं, मैं एक बार भी लेकिन किंतु परंतु शब्द को नहीं जाना है। इस बिजनेस में सफल होना है तो 3-4 बातों को हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहले तो हार्डवर्क करना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं है सर। अगर आप सोच रहे हैं कि राकेश सिन्हा GVD बन गए तो 14 लेख बनाए, तो 14 लेख बना के उसको डायरेक्टर ले तो गए,
14 लेख डायरेक्टर बनाने में उस डायरेक्टर के नीचे लोगों को लाए तो ये आपको भी करना पड़ेगा और ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन आप चाहें तो 3 साल का काम 3 महीना में कर सकते हैं। जैसा कि अल्पेश गज्जर सर बता रहे थे कि आप अगर अपने इनकम से ज्यादा पैसा चाहते हैं तो आपको जितना इनकम दुगना चाहिए तो दुगना काम कीजिए, 5 गुना चाहिए तो 5 गुना काम कीजिए, 10 गुना चाहिए तो 10 गुना काम, तो आपको काम बढ़ाना पड़ेगा और ये एक सबसे बड़ी बात है कि हार्डवर्क का कोई सोल्यूशन नहीं है। दूसरा बात हम बोलना चाहेंगे कि सबसे पहले हमको आपको ऑनेस्ट होना होगा, ईमानदार होना होगा। हम अपने अपलाइन के प्रति कितना ऑनेस्ट है, हम अपने से सफाई नहीं देना चाहेंगे, लेकिन मैंने अपने लेवल बेस्ट कोशिश किया है कि उनके नजर में मैं नंबर 1 बना रहा हूँ, जिससे कि मेरी एक वैल्यू क्रिएट हमेशा रहे। तो आपको भी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी को क्रिएट करना होगा, इसके अलावा आपके पास कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। तीसरा, हम चाहेंगे कि एक रिलेशनशिप बनाना। हमारा जो परिवार है मोदी केयर, इस मोदी केयर परिवार में ये जो परिवारवाद हो चुका है कि पूरी तरह से एक फैमिली आज हम लोग मिलके, पता नहीं उत्तम सर का एक एक बच्चा जैसे हमारे बच्चों के साथ मिलती है तो कहाँ लगा ही नहीं कि बहुत दिन पहले की चीज है, कितने दिनों से हम लोग एक दूसरे को जानते होंगे। जैसे ही आरब या आद्या हम लोग जब मिलते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि आज की चीज है, हमको लगता है कि हम लोग का कोई पारिवारिक रिलेशन है। ऐसे ही हम लोग जब राजेश सर के क्या नाम है बेटा गट्टू के साथ हम लोग जब मिलते हैं तो वही हमारे पीछे जो जिस तरह से दौड़ा तो किसी अनजान आदमी के पीछे थोड़ी दौड़ सकता है। ये जो हमको फैमिली रिलेशनशिप बिजनेस जो है इसमें हमको सबसे पहले रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए, खुल के सामने अपने आप को सोल्ड आउट कीजिए, अपनी पूरी फैमिली को अपने अपलाइन के साथ सोल्ड कीजिए, आगे लाइए। ये नहीं कि आप बात कर रहे हैं और उन लोग को छुपा के रख रहे हैं, नहीं चलेगा। आपको आपकी सारी चीजों को एक अच्छे रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना होगा। इसके साथ हम लोग फ्रेंडशिप, जैसे हमारा उत्तम सर का एक अच्छा अपलाइन तो है ही, लेकिन एज ए फ्रेंड हम बीच बीच में सर के साथ थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। एज ए फ्रेंड हम अनूप सर से भी बहुत सारी बातें कर सकते हैं और करते हैं, करना चाहिए, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक हम उनको अपना एक खुले विचारों के साथ आने नहीं देंगे तब तक वो हमारे प्रति या आपके प्रति वो समझ नहीं पाएंगे। तो फ्रेंडशिप मेंटेन करना, और ये बहुत जरूरी है, वह एक तरफा नहीं होना चाहिए। वो तो चाह रहे आप कर रहे कि नहीं, वो भी एक तरफा नहीं, दोनों तरफ का होना चाहिए। तीसरा, एक्सेप्टेंस ऑफ चेंजेस। जैसे जो आदमी बदलाव नहीं एक्सेप्ट करेगा, जैसे मैं बता दूं अपने लाइफ में, अगर पापा नहीं तो मैं कैसे जीऊंगा, तो हम एक्सेप्ट किए कि पापा नहीं है तो क्या हुआ, नानी नहीं तो मैं कैसे जीऊंगा, तो नानी नहीं है तो क्या हुआ, मम्मी नहीं तो मैं कैसे जीऊंगा, मम्मी नहीं है तो क्या हुआ। ये चेंज को एक्सेप्ट करना हमने लाइफ में सीखा है। गाड़ी नहीं तो कैसे होगा, गाड़ी नहीं है तो क्या हुआ, ये आपको आना होगा। और आगे आपको क्या करने से आप उन चीजों के तरफ जा सकते हैं, उस बदलाव को एक्सेप्ट करना शुरू कर दी, ये बहुत जरूरी है। एक्सेप्टेंस के साथ हम चाहते हैं कि आपको एक्सपीरियंस होना। एक्सपीरियंस एक दिन में नहीं आती, लेकिन एक्सपीरियंस करने के लिए, आपको एक्सपीरियंस प्राप्त करने के लिए एक चीज को बार बार करना पड़ेगा। ब्रूसली से किसी ने, कोई बहुत अच्छा फाइटर से पूछा गया कि ब्रूसली में क्या खासियत है, और लोगों की तुलना में ब्रूसली में कौन सी खास बात है। और ब्रूसली से भी फिर एक बात पूछा गया कि सर आप किससे डरते हैं। तो ये दोनों ही जगह पे एक मैसेज आया था कि मैं उस व्यक्ति से ज्यादा नहीं डरता जो 10 तरह का चाल मारता है, मैं उस व्यक्ति से ज्यादा डरता हूं कि जो एक ही चाल को बार बार मारता है। तो मेरा कहना है कि अगर आपने मोदी केयर बिजनेस में जीवीडी जाने के लिए आ गए हैं तो जीवीडी में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको जो गाइडलाइन दे दी गई, आप बस उसको इतना बार कीजिए, इतना बार कीजिए, इतना बार कीजिए। अनूप सर की मीटिंग में जब भी बहुत सारे नए लोग जाते हैं, वो 2 से 3 बार जाते हैं तो वो बोलते हैं कि ये क्या, एक ही बात तो हर बार बोलते हैं। लेकिन अनूप सर वही एक बात बोल के अगर 10 लाख महीने पे चले गए तो आप अपना एक्सपीरियंस ज्यादा ज्यादा बात बोल के कर क्या लिए। तो यहाँ एक्सपीरियंस उसी से आएगा जो रिपीट एंड रिपीट, रिपीट एंड रिपीट, रिपीट एंड रिपीट एक ही काम को करते रहेंगे। तो यहाँ चेंज नहीं करना है, आपको एक्सपीरियंस होना है, तो आपको एक ही काम को 10 तरह से नहीं, एक ही काम को एक ही तरीके से करके निकल जाना। साथ में ड्रीम, ड्रीम तो भैया इस बिजनेस की जान है। हम लोग कहते हैं कि अगर हम दोनों बैठ के सपना लिखना शुरू करें, और आप लोग अगर गलती से हम लोग का सपना का किताब पढ़ लीजिएगा,
तो आप लोग को सच में डर लगेगा, लेकिन हाँ बीच में हम दोनों थोड़ा सा हनीमून पीरियड में जा चुके थे, मोदी केयर बिजनेस में थोड़ा रिलैक्स मोड में जा चुके थे, जिस कारण से एक्सेलरेटर से भी मैंने पैर हटा लिया था और ब्रेक में भी मैंने पैर दबा दिया था बोल के, मुझे थोड़ा सा एक दो साल अपने इनकम को आगे ले जाने में चैलेंज आई। और ये सबक मुझे इसलिए मिला क्योंकि भगवान भी फिर से हमसे कुछ छीनने की कोशिश कर रहे थे, इस बार मैं छीनने नहीं हूँ, इस बार हम इस चीज को हर हाल में करते हुए अपने साथ अपने सैकड़ों हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में ड्रीम को पूरा करने में सपोर्ट करेंगे। मैं अपनी ड्रीम के साथ अब मैं अपने लोगों का ड्रीम जोड़ना शुरू कर दिया हूँ, मैं उनके लोगों को भी बोला हूँ कि आप अपने ड्रीम शुरू कीजिए। तो ड्रीम आफ्टर ड्रीम, ड्रीम आफ्टर ड्रीम, अनुप सर ने जो सिखाया ये मेरा लाइफ का पार्ट था। लास्ट जो हमने अनुप सर का लाइव सेशन मनीष त्रिपाठी जी में देख रहे थे, उन्होंने कहा था कि छोटे से छोटे चीजों को भी सपने में डालिए। सर मैं कैनन का ये कैलकुलेटर हमारे मामा जी अमेरिका से हमको गिफ्ट किए, उसकी बैटरी मुझे खरीदने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि मैं जानता था कि ये महंगा होगा, लेकिन जब हम लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में आए तो उस कैनन कैलकुलेटर का भी बैटरी खरीदना ये मैंने ड्रीम में डाला था, लैपटॉप की बैटरी ड्रीम में डाला, ऐसे करके वो जो पीला बल्ब जो घर में जलता था वो व्हाइट बल्ब मैंने ड्रीम में डाला, मैं पापस को ड्रीम में डाला, मैं सोफा कवर को ड्रीम में डाला, मैं सोफा को ड्रीम में डाला, हर वो चीज जो मुझे चाहिए वो जरूरत को मैंने लिखना शुरू कर दिया। ड्रीम कैसे पूरा होता है हम सब बहुत अच्छे तरीके से बताए कि कुछ छोटे चीज हम आसानी से खरीद सकते हैं तो भी हम लोग उसको इसलिए लिखते हैं कि जब छोटा चीज अचीव करके अपने आप को चीयर करते हैं तो बड़ा चीज भी अचीव उसी तरीके से हो जाएगी और हम लोग उसको चीयर करेंगे। जैसे कि आपके बीच में बता दें कि मेरी गाड़ी तैयार होके खड़ी है, अब किसी भी दिन हम सारे अप्लायंस के मदद से जैसे ही लॉकडाउन खुलेगी हम अपने बीच में एक चमचमाती हुई मोदी केयर की पहली गाड़ी आप लोग को गिफ्ट करने जा रहे हैं। ये मेरा नहीं है, इस मोदी केयर परिवार का है और इसका भी सारा श्रेय जाता है ड्रीम, क्योंकि हम लोगों ने ड्रीम में डाला था ये कैशलेस गाड़ी लेंगे, कैशलेस गाड़ी मतलब मैं बिना एक रुपए लोन पे गाड़ी निकालना चाहता हूँ और वो काम हो चुका है, हमारे बीच में एक गाड़ी आ रही है आप लोग उसको देखेंगे। चलिए ड्रीम के साथ साथ हम चाहते हैं कि आप भगवान पे भरोसा करना शुरू कर दीजिए, जैसे मैं अपने भगवान पे बहुत 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 मतलब ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर वो नहीं है तो फिर हम कहाँ से, अगर वो नहीं है तो हम बोल कहाँ से रहे, अगर वो नहीं है तो हम देख कैसे रहे, इसको मानना पड़ेगा। एक क्षण में वो लाइफ चली जाती है और ये बॉडी खत्म हो जाता है, वो उनके हाथ में है, तो उन्होंने हम आपको पैदा कर दिया। और एक और अच्छी चीज कि भगवान पे भरोसा करना है लेकिन भगवान भी हमारा इंतजार कर रहे कि तुमको मौका दे करके दिखाओ, तो हम लोग ने मौके को हर बार भंजाने की कोशिश की, जब जब हमें मौका मिला है जहां जहां हमें मौका मिला है हमारे अपलाइन के तरफ से मैंने उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने की कोशिश की है। हम लोग उस पर रिहर्सल करते हैं, हम लोग उसको कोशिश करते हैं कि सर लोग के नजर में हम खड़े उतरे। तो एनीवे गॉड हैज प्लान। हम लोग एक और चीज जानते हैं सर, क्या कि इस बिजनेस में आप जो आए हैं ये उनकी मर्जी थी, आप टिकेंगे ये आपकी मर्जी है, लेकिन आप टिके रहेंगे ये उस बात पे डिपेंड कर रहा है कि एक सेब में चार बीज है उसको फेंक दिए, अब वो बीज से कितने सेब आएंगे। तो आप अपने विश्वास के साथ अगर मोदी केयर बिजनेस में टीम बिल्ड करना शुरू किए तो वो टीम जिसको आप ला रहे हैं और वो टीम जो बड़ी होने वाली है उसका आभास आज आपको करना होगा। तो ये है कि आगे आप टिके रहेंगे तो वो टीम का दम होगा और आपको लगातार उनको मल्टीप्लाई करने में सीखते रहना होगा। पैसा कमाने का शॉर्टकट नहीं है, पैसा कमाने का आसान तरीका है मोदी केयर, ये हमने कहीं से जाना है। और सच में आज जितनी पैसे हम लोग कमा लेते हैं ये पैसा कमाने के लिए और दूसरे किसी भी इंडस्ट्री में, चूंकि हमने जिस कंपनी में बताया 7.5 लाख रुपए कमाए थे वो एक बात पहुंचे ही नहीं कि सब कुछ छिना गया, तो वो कौन सा बढ़िया तरीका हो गया। तो एक बहुत अच्छे तरीके से सुरेखा मैम ने समझाया था कि अगर आप एक को दो करे, दो को चार करे और यहाँ से लेके आप 30 दिन खाली दुगना करना शुरू करे तो यहाँ से आप 100 माइल तक चले जाते। तो वही पैसे जो हम रिकरिंग पैसा कमा रहे हैं, राजेश सर का चेक जैसा कि अमित सिन्हा सर बताते कि 1.5 लाख रुपए था तब उन्होंने स्टार्ट किया, मैं जब स्टार्ट किया तो राजेश सर का चेक 3 लाख हो चुका था,
आज हम लोग हैं तो राजेश सर की 15 लाख रुपए हो गए। ये जो ग्रो भी कर रहे हैं और लगातार मिलते जा रहा है, तो ये जो धंधा है इस धंधे को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन काम करता है, यहाँ पे एडिफिकेशन काम नहीं करता। एक साल में आप क्या कमाए उस पे एनालिसिस ना करके आप दूरागामी सोच तैयार कीजिए, आप अपने प्रोजेक्ट पे वर्क कीजिए। 5 साल का कम से कम एक प्रोजेक्ट होना चाहिए। आज प्रमोद आचार्य सर के 8वां लेख से जीवीडी निकल गया, और जो जीवीडी निकले वो और कोई नहीं, एक डॉक्टर है जिन्होंने 5 साल में ये सफर तय कर ली। तो डॉक्टर होते हुए सारा काम करते हुए वो 5 साल में इस जगह पे आ सकते हैं, कोई भी इस इंडस्ट्री में सफल हो सकते हैं अगर वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सर एक्ट एज ए बिजनेसमैन, बिजनेसमैन कभी भी काम करता है तो वो टोटल ओवरऑल हर चीज की जवाबदेही लेता है। नौकरी करने वाला और बिजनेसमैन में एक बहुत बड़ा गैप है। नौकरी जो करता वो 10 to 6 जानता है, उसके अलावा कुछ नहीं जानता। बिजनेसमैन जो होता है वो सुबह सोएगा उठेगा वहां से शुरू होता है सोने तक, और सोने के बाद भी अपने बिजनेस को कैसे डेवलप करना है, कैसे बड़ा करना, क्या करना वो करना, वो सारी जवाबदेही एक बिजनेसमैन ही ले सकता है, सेल्समैन और नौकरी करने वाला नहीं लेगा। तो आज आप मोदी केयर में अगर सेल्समैन बन के आए हैं, आज आप मोदी केयर में किसी के कहने पे आए, इसको जल्दी से चेंज कीजिए और आप एक बिजनेसमैन बनिए, अपनी रोल समझिए। और वो हर वो काम आपको करना पड़ेगा। सर मैं आज भी कार्टून ढोता हूँ, 4-4, 5-5 कार्टून उठा उठा के झोला में सामान भर भर के। ऐसा नहीं है कि ये काम मैं खाली कर रहा हूँ, सारे जीवीडी कर रहे हैं, सारे अचीवर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये तमाम लोग एज ए बिजनेसमैन मोदी केयर कर रहे हैं। हम लोग नेटवर्कर नहीं है, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। और आगे आपको अगर पैसा कमाना है तब तो जाइए बिजनेस कीजिए, नौकरी कीजिए। लेकिन अगर पैसे का पेड़ लगाना है, हम तो पैसा छोड़िए रुपए का पेड़ लगाना है, जो अनुप सर कह रहे हैं कि आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। सर यहाँ तो ऐसी ऐसी बातें हैं, लाख कमा आप एक बार लेते हैं, उसके बाद लाख बार बार आते रहता है। तो ये पैसे का पेड़ लगाना है तो आपको सब्र तो करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, जिस दिन हम यहाँ से पैसा कमाना शुरू करते हैं तो वही से हमारे पास संस्कार भी आना शुरू होता है। क्योंकि शुरू में हम सब लोग लालची होते हैं, हमें भी बहुत सारी लालच थी इस बिजनेस में आने के बाद। हमें भी बड़ा मन था 7 गो शर्ट लेने का, 7 गो सूट लेने का, 7 गो जूता लेने का, 7 गो पैंट लेने का, 7 गो रुमाल लेने का। ये सारे सपने थे, हम लोग सब लोग हम दोनों ने मिलके बहुत सारे ऐसे सपने पूरे किए। लेकिन अब थोड़ा सा दूसरा चीज आ गया, अब हम लोग दाता बनना शुरू कर लिए, मतलब यहाँ से सोचना शुरू कर लिए कि ये जो सपने जो हम लोगों ने अपने लिए पूरा किया, अब मैं अपने से ज्यादा लोगों को कैसे पहुंचा। इस तरीके से हम लोगों ने ये बिजनेस की शुरुआत करी। बिजनेस शुरू करने का कोई दायरा नहीं है सर, एक ही चीज है कि आपको अपना दायरा खुद से डिसीजन लेना है। यहाँ एक ब्लैंक चेक है, उस चेक पे आपको साइन करना है, लेकिन अमाउंट भर के। तो हमने अपने लाइफ में इस मोदी केयर बिजनेस में 2-3 चीजों के लिए हमने अपना नेक्स्ट गोल सेट किया है। सबसे पहला कि इस बिजनेस में 1 करोड़ महीना जब तक नहीं आता ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। इस बिजनेस में जब तक हम लोग 1000 लोगों को लखपति ना बना ले ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। इस बिजनेस में जब तक हमारे टीम से 5000 लोगों को विदेश नहीं घुमा लिया ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। इस बिजनेस के माध्यम से जब तक हम एज ए लीडरशिप अपने टीम में 1000 लोगों को इस तरह का वेबिनार सेमिनार लेते हुए तैयार ना कर दे, तब तक ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। मैं बहुत बहुत तहे दिल से थैंक्स करना चाहूंगा अपने सारे अप्लायंस को, सारे मेंटर्स को, स्पेशली समीर सर को, जिन्होंने ये समीर मोदी आजादी प्लान 15 मई 2015 लाके एक आम आदमी को खास आदमी बनने का जो फॉर्मूला दे दिया, उन्होंने जो तरह तरह के लॉन्चिंग कर करके वो जो हर वो पैकेज इन्होंने इसमें एड ऑन करते चले गए जिससे कि ये काम और आसान होने लग गया। उन्होंने जो तरह तरह के सारे व्यवस्थाएं जो हम आपको दे दी एज ए डीपी खोल के, एज ए सारा वेबसाइट डाल के, हर वो एजुकेशन सिस्टम डाल के, तो समीर सर के लिए स्पेशल थैंक्स। वो सच में हम लोग के लिए काना है, वो एक उंगली पे इस पूरे विश्व को उठा रखे हैं और बोल रहे हैं कि जिसको जिसको आना है अपने आप आते जाइए, सुरक्षा हम देंगे, आजादी हम देंगे, आपका जीवन हम समझेंगे, आप खाली आते जाइए। तो हमारा काम है इस बवंडर में लोगों को ले आना और उनको सुकून की जिंदगी का एहसास दिलाना है। 2020 हम लोगों ने एक सर्वोत्तम गोल बनाया है कि इस 2020 में हम लोग अपने टीम के माध्यम से
एक मिशन पे काम कर रहे हैं कि कम से कम 100 लोगों को 1 लाख रुपए महीने पे पहुंचाए, और ये तभी संभव हो पाएगा जब हमारे त्रिदेव हमारे अपलाइन को लोग फॉलो करेंगे। क्योंकि लोग अपना जो सिस्टम लेके चलते हैं उससे बेहतर है कि अभी हमारे पास अगले 6 महीना 7 महीना कुछ और करने से बेहतर होगा कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा इसी सिस्टम को प्रमोट करें जो हमारे अपलाइन सीरीज के तरफ से मिल रहा है। सुरेखा मैम ने एक स्ट्रीम बना दिया, टीम मिशन ने एक स्ट्रीम बना दी है, अनूप सर ने पर्सनली एक स्ट्रीम बना दिए हैं, उत्तम सर ने अपनी एक स्ट्रीम बना ली। हम लोग को सिर्फ उस स्ट्रीम में बह जाना है, हमें उस झरने से आराम से ठंडे ठंडे पानी का मजा लेना है, और उससे हम लोग अपने आप को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। तो आज हम लोगों ने आपके सामने जो कुछ भी कह पाए कह सके और ये कहने के काबिल बन पाए, इसके लिए स्पेशल थैंक्स देना चाहेंगे हम अपने त्रिदेव को, और स्पेशल थैंक्स देंगे उत्तम सर प्रीति मैम को, और हम अपनी पूरी टीम को जिसकी वजह से हम लोग आज इस कंपनी के टॉप लेवल को अचीव किए। इस टॉप लेवल को पहुंचने में हमको 32 महीना लगे। इस 32 महीने के सफर में मैंने हर बार एक अलग अलग चैलेंज के साथ टीम को अचीव किया है, बोल के किया है, और करने से पहले मैं पहले बोलता हूँ। मुझे याद है कि जून को हम लोगों ने राजेश सर, रवि सर, अनुप सर, सुरेखा मैम, उत्तम सर को बोल के बोला कि देखिए यहाँ पे 5 जीबीडी है, 8 जीबीडी हम बनने जा रहे हैं और हम इसी महीने बन के दिखाएंगे। तो हर वो काम हम लोगों ने बोल के किया है, चाहे वो क्राउन की बात हो, चाहे वो आरबीडी की बात हो, चाहे वो जीबीडी की बात हो। इसीलिए एक बार और हम वादा करते हैं सर कि इस पूरे मोदी केयर में आप लोग का चहेता हम बन के दिखाएंगे, रहेंगे और बन के ही दिखाएंगे सर। थैंक यू।